नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेंद्र व्लॉग्स में। आपका भाई आपका दोस्त सुरेंद्र व्लॉग्स। तो भाई, हम आपको आए हैं एक और नए वीडियो में लेकर। हम आज दिखाएंगे आपको कुछ नया ही, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में। इससे पहले अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो कुछ मैं वीडियो डाल सकूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो भाई चलते हैं हम आगे वीडियो में। ये रखिए अपनी बाइक, तो चलेंगे हम आपको आगे लेकर, दिखाएंगे क्या कुछ है इस वीडियो में। तो चलते हैं बाइक से, चल रहे हैं अपनी बाइक से आगे। जो कुछ भी होगा आपको दिखाएंगे क्या कुछ है। भाई जा रहे हैं हमारे साथ घूमने के लिए, तो मिलते हैं आगे अपने वीडियो में, दिखाएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे वीडियो में और आगे बिना स्कैप करे देखिए भाई, आगे कुछ नया ही दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बागेश्वर धाम, दिखाते हैं यहाँ क्या कुछ है। तो भाई हम लेकर चलेंगे महायज्ञ में आपको, जहाँ महायज्ञ हो रहा है 1.25 लाख, हनुमान चालीसा महायज्ञ हो रहा है। तो भाई यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये है अन्नपूर्णा स्थान, जहाँ हमेशा भंडारा होता रहता है। जो आज भंडारा है तो 12 बजे से 4-5 बजे तक चलेगा। तो भाई ये देख सकते हो, ये मकान बनकर तैयार हो गया है, इसे गुरुकुल बोलते हैं। जितने भी ब्राह्मण यहाँ आए हैं तो इसी में रहते हैं अभी। तो भाई हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, जहाँ माया घुरा है वहाँ गुरुजी आएंगे तो उनसे भी मिलवाते हैं। तो चलते हैं हम आगे, जहाँ यज्ञ घुरा है महायज्ञ दिखाएंगे और गुरुजी को भी दिखाएंगे आपको। बालाजी की पूज्य दादा गुरु जी महाराज की भूदेव ब्राह्मणों की 1.25 लाख हनुमान चालीसा महायज्ञ की 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ की 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ की। लोचाई कैसा लग रहा है यज्ञ में? कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा महायज्ञ, यज्ञ तो बहुत हुए कुंडों में, पर एक जगह पर, एक स्थान पर 1.25 लाख होता है, वहाँ की प्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं। महाराज हमारे सामने खड़े हैं। कितने लाख का? 1.25 लाख। 1.25 लाख। और ये यज्ञ सनातन धर्म की उन्नति के लिए, और जितने भी भक्त बागेश्वर धाम पर आते हैं, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने भी भक्त बागेश्वर धाम पर आते हैं, बैठ जाओ, नहीं पाते, चर्चा नहीं बन पाता, बात नहीं हो पाती, पता ही नहीं यज्ञ क्या हो रहा। जितने भी भक्त यहाँ आते हैं वो खाली हाथ ना जाएं, बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा हो जावे, इसलिए इतनी बड़ी यज्ञ करवाई जा रही है। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज जी की जय, भूदेव ब्राह्मणों की जय, सन्यासी बाबा की जय। दर्शन की लाइन चल रही है, दर्शन कर जाओ, दर्शन की लाइन चल रही है, इसको ना रोका जाए, दर्शन की लाइन चलने दी जाए। यही यज्ञशाला के आसपास रहेंगे, सब दर्शन की लाइन में रहो। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। आज
यज्ञ का दूसरा दिन है पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर, जहां स्वयंभू बागेश्वर बालाजी का दिव्य विग्रह है। ऐसी पावन धरा जहां की दिव्य धरा पर लाखों लोग खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर बालाजी के चरणों से झोली भर कर लेकर जाते हैं। और यह यज्ञ घर घर श्री लक्ष्मी यंत्रम महाप्रसाद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि श्री यंत्रम रखे हैं, उनको ब्राह्मणों द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। आपको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करना है तो कार्यालय में अपना नाम जाकर लिखवा दो, आपको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। यज्ञ की परिक्रमा करो, राम नाम का जप करो। बागेश्वर धाम पर किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। बागेश्वर बालाजी की, बालाजी की। हम तो कबाड़िया तो किससे जुड़ना है? बागेश्वर बालाजी से। बागेश्वर बालाजी से। बालाजी से। पर्चा बने या ना बने, पर्चा की महिमा नहीं है, पर्चा के चर्चा की महिमा है। जय हो गुरुदेव, जय हो। पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, जिन्हें भरोसा नहीं है कि भगवान होते कि दिव्य शक्तियां होती कि नहीं उनकी छतरी उनके लिए पर्चा है। जो भक्त है वो तो नारियल बांध लें, 21 परिक्रमा लगा लें, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ पर्चा बने या ना बने बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाए। जय हो। तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अच्छा सुनो, हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारे बाप का नाम बता दें, खानदान का नाम बता दें, छह पर्चा बना दें, मन की बातें बता दें, पर काम सफल ना हो तो क्या पर्चा बनाना किसी मतलब का है? जी नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। हम जब भी कोई यज्ञ करते हैं या बालाजी के चरणों में बैठते हैं तो कहते हैं, हे बालाजी, किसी का पर्चा बने या ना बने, किसी की चर्चा हो पावे या ना हो पावे, किसी से हम मिल पाए या ना मिल पाए, पर जो आपके चरणों में आवे वो खाली हाथ ना जावे, इससे बड़ा कोई चरण। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा बागेश्वर बालाजी की है कि हर महीना मंगलवार शनिवार लाखों लोग आते हैं, खाली हाथ आते हैं, यहाँ से झोली भर कर लेकर जाते हैं, रोते हुए आते हैं बालाजी के चरणों से, हंसते हुए जाते हैं। आप भी बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाएंगे, जाओ आशीर्वाद। जय हो, जय हो। बोलो सन्यासी बाबा की, यज्ञ नारायण भगवान की, अपने अपने मताई बाप की। तो जो आज शनिवार को आए हैं, दर्शन कर लो, परिक्रमा कर लो, लोचाई खा लो, तो सामू भंडारो चलो, तो भंडारा खा लो और प्रणाम करके अब रुकी तो बोतली मार दे भैया, ढक्कन का मार बोतली मार, हाँ अब हम मन में मार बेटा बोतली मार, मैं यही ला बोलो सीताराम। तो जो है अभी रुकना नहीं है, ऐसे अभी हम 5 दिन अनुष्ठान में विदे और सबको बता दे, हमने अभिमंत्रित करके भभूति ऊपर रख दी दरबार हॉल में, कार्यालय में, तो कार्यालय में जाके या दरबार हॉल में जाके भभूति ले लो। रुकियो ना, एक कक्का पेशी की महिमा है। किसकी महिमा है? पेशी की। पेशी करो महीना में एक बार, दो महीना में एक बार। बालाजी है स्वप्रगट, बालाजी है अपने आप, आपके घर पर सेना पहुंच जाएगी, बालाजी कृपा करेंगे। आज यज्ञ का दूसरा दिन है, लगभग 130 ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण? 130 ब्राह्मण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो जितना ही और हम किला नया हम करवा लेगा,
हमें कौन अपने बाल बच्चे है पाल समय आनंद के लाने करवाने के जाओ बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें जितने जने थे आउट है वे खाली हाथ न जाओ हम बिना राम लाने लाने नहीं तो बढ़िया आराम से सो गाय के लाने दिनरा तुम्हें और के अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है घर घर सीताराम पहुंचाओ अपने घर के बाहर झंडा गाओ याद रखना कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता है और तुम अगर प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहते हो तो हमारे चक्कर में भी मत पड़ो इंसान हमेशा धोखा देता है और तुम इतने पागल हो इतने धक्के खा चुके जगह जगह जाकर अनेक गुरुओं के चक्कर में अनेक तानों के चक्कर में तुमने बहुत अपनी अवहेलना करवा ली बहुत ताने सुन लिए तुमने अपने परिवार वालों से अपनी खुंदी उड़ा ली बड़ा भक्त के बना क्या कर लिया भगवान ने अब एक काम करो बहुत हो गया ये तुम घाटा इसलिए खाते हो क्योंकि तुम अनेक गुरुओं के चक्कर में अनेक उपनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हो कलयुग के राजा हनुमान जी है और देवता चिंतन करी हनुमत से